बदल ली। तो बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको कोरोना वायरस को लेकर बता दें, मुजफ्फरनगर से इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना वायरस का संदिग्ध मिलने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें 2 मार्च को संदिग्ध व्यक्ति सऊदी अरब से आया था घर, और संदिग्ध व्यक्ति को बुखार, खांसी, जुकाम और गले में परेशानी है। आपको बता दें कोरोना वायरस के बहुत से लक्षण, और कोरोना स्पेशल वार्ड में मरीज को किया गया बंद, और डॉक्टरों की स्पेशल टीम जांच के लिए हॉस्पिटल पहुंची है मुजफ्फरनगर की बुड़ाना सीएचसी का। ये पूरा मामला तो बड़ी खबर आपको कोरोना वायरस को लेकर बता रहे हैं। डॉक्टरों की स्पेशल टीम जांच के लिए हॉस्पिटल पहुंचेगी, और मुजफ्फरनगर की बुड़ाना सीएचसी का ये पूरा मामला। कोरोना वायरस का संदिग्ध मिलने से हड़कंप मच गया। 2 मार्च को संदिग्ध व्यक्ति सऊदी अरब से आया था घर। संदिग्ध व्यक्ति को बुखार, खांसी, जुकाम और गले में परेशानी। संदिग्ध व्यक्ति में कोरोना वायरस के बहुत से लक्षण। बड़ी खबर आपको कोरोना वायरस को लेकर बता रहे हैं। संदिग्ध व्यक्ति में कोरोना वायरस के बहुत से लक्षण पाए गए हैं। आपको बता दें कोरोना स्पेशल वार्ड में मरीज को बंद किया गया है, और डॉक्टरों की स्पेशल टीम जांच के लिए पहुंचेगी हॉस्पिटल। मुजफ्फरनगर की बुड़ाना सीएचसी का यह पूरा मामला। तो कोरोना वायरस को लेकर आपको यह खबर बता रहे हैं। लगातार देशभर में कोरोना वायरस के संदिग्ध जो हैं बढ़ते ही जा रहे हैं, और मुजफ्फरनगर में भी एक संदिग्ध देखने को मिला है। और खबरों